Now today we will discuss about the important questions of P block. Important questions अब मैं P block के कुछ लेकर के आया हूँ आपके सामने, और ये important questions P block के कौन कौन से हैं वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए चलेंगे। Which is the strongest oxidizing agent? Strongest oxidizing agent कौन सा है, तो हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि BrO4 का जो reduction potential होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसका reduction potential ज़्यादा होता है वो oxidizing agent होता है, जिसका reduction potential कम होता है वो reducing agent होता है। तो यहाँ पर BrO4 negative has the highest reduction potential, that's why it is a good or strong oxidizing agent. Draw the structure of H4P2O7. मैंने मेरी वीडियो देखिएगा कि ऑक्सो एसिड को हम लोग ड्रॉ करने का तरीका क्या है, उसको ड्रॉ करने का एक अच्छा कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है अपनी चैनल पर, तो वहां पर समझ सकते हैं। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ भी है, इजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट, कि विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। NCl5 देखा है कभी, आपने सुना है, नहीं होता ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होती इसके अंदर। भैया इनके अंदर डी ऑर्बिटल कमरा नहीं बैठा लेंगे कहाँ से। तो सिंपल सी बात है कि NCl5 हैज एज इट हैज नो डी ऑर्बिटल। NCl5 नहीं होता क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होती है। वाई इज PCl5 आयनिक इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में ये PCl4 पॉजिटिव PCl6 नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई इट डज नॉट फॉर्म that's why it exists in the form of the ionic solid. ये ionic solid के form में exist करता है। Due to strong inter-ionic forces of attraction, it exists as a solid. ये solid के form में exist करता है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। Why does the sulfur exhibit paramagnetic behavior in vapor state? ये paramagnetic behavior vapor state में क्यों करता है, पता है आपको कि vapor state में H2 ion में break कर जाता है। H2 ion में जिसका अगर हम molecular orbital diagram बनाते हैं तो यहाँ पर unpaired electron निकल के आते हैं। Unpaired electron की वजह से ये paramagnetic nature में होता है। Why does oxygen form O2 while sulfur form SA? तो आपको पता है कि एक में d pi bonding होती है, एक में p pi bonding होती है। p pi d pi bonding की वजह से जो होता है, हाँ बोलो कहाँ पर आ रहे। तो क्वेश्चन हम लोगों का था कि व्हाई डज सल्फर एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इन द वेपर स्टेट। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सल्फर क्यों दिखाता है वेपर स्टेट में, तो आपको बता देते हैं कि वेपर स्टेट में सल्फर ब्रेक हो जाता है S8 आयन, S8 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है S2 मॉलिक्यूल में। तो जब ब्रेक हो जाता है उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, तो उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लोन पेयर मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है उसके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड टर्न्स ब्राउन इन एयर, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्राउन कलर में क्यों, सॉरी ये हाँ ठीक है। व्हाई डज ऑक्सीजन फॉर्म O2 व्हाइल सल्फर फॉर्म एसिड, ये तो आपको पता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की कंडीशन इसमें रहती है, यानी ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, दस इट एग्जिस्ट O2 मॉलिक्यूल। सल्फर हैज ए लार्जर साइज एंड कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इट कैन एग्जिस्ट ओनली सिंगल बॉन्ड एज एग्जिस्ट S8 मॉलिक्यूल। नाइट्रिक ऑक्साइड टर्न्स ब्राउन इन एयर, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्राउन क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बना लेता है, और NO2 का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है, इसीलिए आपको ये ब्राउन दिखाई देता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वाई इज HF स्टोर्ड इन वैक्स बोटल्स, वैक्स बोटल में क्यों, वैक्स बोटल का मतलब होता है उनका जो वैक्स कोटेड बोटल्स होती हैं इनमें क्यों रखा जाता है। तो HF इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बोटल्स, क्योंकि ये रिएक्शन कर लेता है, जब ये रिएक्शन कर लेगा तो कंपाउंड बना लेगा। कंपाउंड कौन सा बनेगा, NaSiF6 सोडियम सिलिकेट बना लेता है, सोडियम फ्लोरोसिलिकेट बना लेता है। और इसका मतलब ये है कि सोडियम सिलिकेट रिएक्शन ऑन HF टू फॉर्म सोडियम फ्लोरोसिलिकेट बनाता है, उसकी वजह से वो बोटल्स टाइट हो जाएंगे, गल जाएंगे, बेकार हो जाएंगे ग्लास बोटल्स, इसीलिए हम उसको वैक्स बोटल्स में रखते हैं। Why is H3PO2 is dibasic? ये तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें OH बॉन्ड केवल दो ही OH है, और यहाँ पर H दो ही रिलीज करेगा, इसलिए dibasic नेचर में होता है। इट हैज टू आयनाइजेबल H फ्रॉम द OH ग्रुप्स, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, BI
फिफ्थ ऑक्सीडेशन में और एसपी फिफ्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो Bi5 इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Bi लेस स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माना जाता है। ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव जो होती है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है बढ़ती चली जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाई डज अमोनिया हैज द हायर प्रोटॉन एफिनिटी, पता ही आपको भाई से क्या चाहिए, स्मॉल साइज है PH3 के कंपैरिजन में, तो NH बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर होता है PH बॉन्ड से, तो और N के ऊपर लोन पेयर है वो ज्यादा अट्रैक्शन रखेंगे तो H पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा। व्हाई इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ये तो पता ही है कि स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पता है आपको। Fe3 इज अनस्टेबल, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। FeCl देखें ध्यान से, Fe3 इज अनस्टेबल बट FeCl3 इज स्टेबल, व्हाई। ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है कि Fe3 इज नॉट फॉर्मड एज I नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड चेंजेस इनटू Fe ट्राई पॉजिटिव आयन टू Fe डाई पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एंड डज नॉट रिड्यूस ट्राई पॉजिटिव इनटू Fe डाई पॉजिटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर इंपॉर्टेंट पे टिक कर दीजिए, मैं इसे इंपॉर्टेंट टिक लगाए दे रहा हूँ, है ना, इस पे इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से भैया पढ़ लीजिए। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक इससे ऊपर भी वाला था क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको लेकर के ऐसे क्वेश्चन आता हूँ जो आपको एग्जाम में मदद करें। गिव द केमिकल रिएक्शन टू शो द अनइक्वल PCl बॉन्ड इन PCl5। PCl5 में अनइक्वल, अब आपको पता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप आपको दिख रही होगी, है ना, यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3 और 2 बॉन्ड एक्सियल भी दिख रहे होंगे आपको, है ना। SO2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू एसिडिक सॉल्यूशन, ये अभी आप एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। बेसिक सॉल्यूशन में डालिए तो H पॉजिटिव आयन, है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट H निकल रहा है, है ना, H आर रिमूव्ड इन द बेसिक सॉल्यूशन दस फॉर्म रिएक्शन फॉरवर्ड, हाउएवर इन एसिडिक मीडियम मोर H पॉजिटिव आयन्स आर एडेड तो फेवर्स द बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको पता है कि अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पर भी आप भैया इंपॉर्टेंट लगा ही लो, है ना, ज्यादा छोड़ो मत, है ना। चलो चलो आगे बढ़े। शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अगेन यार कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको जरूर लगाओ यार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कम मिलता है कि पढ़ाते उड़ाते तो रहते ही हैं, आपको तो पता ही है मुझे कि आप बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ चीजें आपको रिमाइंड करानी पड़ती है ना, तो ये ध्यान रखना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे आपको। हाउ आर द हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप 15 प्रिपेयर्ड, गिव द 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दे दिए आप, कोई भी और भी 3 दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, बढ़ा एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पी है, एएस है, एनओ है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी ऑक्साइड की, तो फिर ऊपर वाले की ज्यादा होगी, ऊपर कौन है, नाइट्रोजन है, फिर कौन है, उसके बाद आर्सेनिक है, फिर कौन है, फिर एंटीमनी आ जाएगा, फिर उसके बाद बिस्मत आ जाता है, तो अब आपको पता है ना, बिस्मत इसमें है नहीं, एंड ना पकड़ो ऐसे सब बीमार है नहीं, ठीक है। उसके बाद कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया एंड फॉस्फीन, ये तो कर लेंगे, इन दोनों का स्ट्रक्चर आप कंपेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपकी तरफ क्वेश्चन भेजना है और वो क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं आपको। वाई आर NCl3 एंड BrNi3 अनस्टेबल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये PGT में बहुत आता है क्वेश्चन, ये PGT में मल्टीपल चॉइस कैटेगरी में भी ये क्वेश्चन दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। मेंशन 3 वेज इन विच द नाइट्रोजन इज एनोमलस, मेंशन 3 वेज इन विच द नाइट्रोजन इज एनोमलस, नाइट्रोजन एनोमलस है, पता है आप क्यों है, नाइट्रोजन में P pi बॉन्डिंग होती है जबकि फॉस्फोरस में T pi P pi D pi बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखेगा। वट इज द नाइट्रोलियम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाइट्रोलियम क्या है, मैंने आंसर लिख दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, आंसर को घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, है ना। नाइट्रोलियम वाला क्वेश्चन आ सकता है, मिक्सचर होता है ये कैल्शियम साइनम कैल्शियम कार्बाइड का और नाइट्रोजन का, है ना, तो अगर इन दोनों का मिक्सचर मिलाए तो क्या बनता है, कैल्शियम साइनामाइड बनता है और कार्बन कोक जिसे बोलते हैं, तो ये चीज किससे मिलती है, कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से मिलती है, फर्टिलाइजर की तरह इसको यूज किया जाता है। 23rd क्वेश्चन पे आ जाएगी, why cannot be dry NS, क्यों करेंगे भाई dry, H2SO4 रिएक्शन कर लेगा, H2SO4 रिएक्शन कर लेगा तो सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, ड्राई नहीं कर सकते, कैल्शियम क्लोराइड की भी रिएक्शन करा दो, ये सब रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए इनके साथ कोई ड्राइनेस नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड? भाई भी तो पता ही, हैवर्स प्रोसेस थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं। हैवर्स प्रोसेस की इसमें फेवरेबल कंडीशन और जोड़िएगा, इसके ऊपर आयरन कैटलिस्ट लिखिएगा, है ना, देखिएगा, है ना, ये फेवरेबल कंडीशन लिखी है, कैटलिस्ट लिखा है, ये सब अपने ढंग से भी आप बना सकते हैं, है ना, कहाँ यूज होता है देखिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज एसओ टू प्रिपेयर्ड? एसओ टू को कैसे बनाते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन लिख दीजिए, इनके दो यूजेस लिख दीजिए, इस तरीके से आप इसको बना लिया। एसओ टू आ सकता है क्योंकि ये सिलेबस में है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नीचे रह गया भैया, हाउ इज, हाँ ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है आपको लिखनी है लैब में, कॉमर्शियली प्रिपरेशन ये आपकी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ द चार्ट टू शो द मैन्युफैक्चर H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस का आप पढ़ ही सकते हैं, मैंने चार्ट बनवा यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये आपको दिखाने की जरूरत आपको नहीं, आप केवल लिख भी सकते हैं, बर्नर रिएक्शंस भी लिख सकते हैं, जैसे है ना केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, दिखा सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इनको हटाइए, है ना, मेंशन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, इन्होंने दो लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं, तो अब आप छोड़िए। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, हर चीज को रिएक्शन से आपको दिखाना है, रिएक्शन से आपको बताना है, रिएक्शन से ही आपको हर चीज को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने पी ब्लॉक के कुछ हिंट्स दिए, कुछ क्वेश्चन दिए आपको, वो क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे इन आने वाले एग्जामिनेशन में, ध्यान रखेंगे आप इसको। तो ये क्वेश्चन करिए और इन क्वेश्चन के आंसर लिख करके देखिए, अपने तरीके से भी लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आप इजिली जो है वो आराम से इनको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इनको लिखने के तरीके को सीख लेंगे। वर्डिंग्स का भी ध्यान रखिएगा कि हमें 250 वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है, कितने में लिखना है, ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपका नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, हम आपको नई क्वेश्चन के साथ, नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक आप इनका प्रैक्टिस करके और हमें रिप्लाई जरूर करते रहिए। थैंक यू, गुड डे।